आज पूरे हिंदुस्तान को समझ में आया कि बी टीम ए टीम ए से लेके जेड बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक है, दोनों में कमिटमेंट है, 10 साल तुम्हारे 10 साल हमारे, ये दो लोग एक है सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे। मैं खुद कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मैं जब बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी वट्टापल्ली में जो है मैं जब बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जब मैं स्टैंड पे परफॉर्मेंस दे रहा था तो पीछे से मुझे रुकाया गया कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से मत कहो, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से ना कहो, चार मीनार सेक्रेटेरिएट के दो मस्जिदों की बात कहने के लिए मुझे प्रेशर किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। तो जब मैं कहा कि भाई सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों के साथ में मैं चार मीनार की भी मस्जिद मिलाऊंगा जिसमें तुमने भी बराबर जो है खेल खेला है, तो फिर वहां भी मुझे प्रेशर किया गया। तो मैं जो है ये सारे चीजों को देख के कांग्रेस में रहते हुए मैं असदुद्दीन अवैसी साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हक में एक बाइट भी दिया था और नेट पे मौजूद है वो आईएनडी टुडे न्यूज चैनल पे जी। और मैं हमेशा अपनी कौम को रिप्रेजेंट करता हूँ पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिशियन होने के नाते, और उससे पहले मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे खानदान पे जिम्मेदारी अपनी कौम और मिल्लत की है, अपनी आने वाली नस्लों को सही राह बताना हमारा फर्ज है। हम कांटे हमारे कदमों से हम जो है साफ करते जाएंगे, हमारी नस्लों को जो है रास्ता बनाना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। तो हम जो है बराबर हक की बात करेंगे और मुंह पे करेंगे, गिरेबान पकड़ के करेंगे। भाजपा आरएसएस के दलालों से किसी के बाप से हैदराबाद का मुसलमान डरने वाला नहीं है, आप ये गलतफहमी में मत रहो।